हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दी में खाए जाने वाले बहुत ही हेल्दी मसाला गुड़ लड्डू। सिर्फ एक चम्मच देसी घी में हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मसाला गुड़ लड्डू। गुड़ के साथ साथ हम इन लड्डुओं में और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें डालेंगे और इनको खाने के फ़ायदे भी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए, इन लड्डुओं का टेक्सचर देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है, एकदम मुँह में घुल जाने वाले लड्डू। ये लड्डू थकान कमजोरी दूर कर इम्यूनिटी तो बढ़ाते हैं, साथ में हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों के दर्द में भी आराम देते हैं, खून की कमी दूर कर खांसी जुकाम में भी ये राहत देते हैं। तो चलिए मजेदार मसाला गुड़ लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशा, स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल कुक डिलीशियस विद आशा में। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो फ्रेश गुड़ लिया है। आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं जो भी आपकी नज़दीकी दुकान पे अवेलेबल हो। और साथ ही इन लड्डुओं में हम ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब मूंगफली। ये मैंने कच्ची मूंगफली लिया, भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं। और ये करीब 100 ग्राम सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं, इन्हें भी हम लड्डुओं में ऐड करेंगे। और साथ ही में 2 टेबल स्पून सौंफ मैंने ली है। सौंफ खाने से डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है और ये हमारे आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही में मैंने लिया है ये नारियल यानी कि खोपरा, तो ये मैंने मीडियम साइज़ का सूखा गोला लिया है, ये हमें आधा ही लेना है। और अब हम ऐड करेंगे फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट्स मसाले। तो ये हम लेंगे आधी चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च को आप इस तरह से कूट कर भी ले सकते हैं या पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। और साथ ही में मैंने 1 चम्मच लिया है सौंठ पाउडर। तो सौंठ साबुत इस टाइप का होता है, लेकिन हम इसका पाउडर ही लेंगे। और अब साथ ही में हम लेंगे 1 जायफल। तो जायफल हमें पूरा नहीं लेना है, इसको घिसकर थोड़ा ही हम लड्डुओं में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी हेल्दी मसाले इन लड्डुओं में डालकर हम अपने लड्डुओं को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, टेस्टी और हेल्दी बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो गुड़ है इसको हम थोड़ा घिस लेंगे, या आप इसको चाकू की हेल्प से भी छोटा छोटा काट सकते हैं, या इस तरह कद्दूकस की हेल्प से आप इसे ग्रेट करके ले सकते हैं, या फिर आप इसे कूट कर भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा गुड़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं छोटे छोटे पीसेस में हाथ से ही इनको तोड़ लूँगी। फ्रेंड्स, गुड़ को हमारे देश में प्राकृतिक मिठाई भी कहा जाता है, इसका यूज़ बहुत सी मिठाइयों में भी होता है। गुड़ खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसमें आयरन होता है, इसीलिए खून की कमी को दूर करता है और हड्डियों को ये मजबूत बनाता है, स्टेमिना को ये बढ़ाता है। गुड़ को मैंने छोटे पीसेज में कर लिया है, और सेम इसी तरह से कोकोनट को भी हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। सूखे नारियल का तेल तो निकाला ही जाता है, लेकिन इसको कई तरह की मिठाइयों में भी यूज़ करते हैं, और सूखा होने के कारण इसमें हल्की सी मिठास होती है। तो सर्दियों में हम इसको ऐसे ही खाना भी पसंद करते हैं। सूखे नारियल को भी खाने से हीमोग्लोबिन की कमी दूर होती है, क्योंकि इसमें आयरन के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका ऑयल हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन लड्डुओं को आप एक बार बनाकर स्टोर करके पूरी सर्दियों में खा सकते हैं। तो ये देखिए, नारियल को भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है और मीडियम फ्लेम पर उसे गर्म करके हमने ये जो 100 ग्राम मूंगफली ली थी, इनको हम ड्राई रोस्ट कर थोड़ा भून लेंगे। तो हमें इन मूंगफलियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक भूनना है। हमें इन्हें अच्छी तरह भूनना है जब तक इनका हल्का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, सभी मूंगफलियों को मैंने अच्छे से भून लिया है, और अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और हल्का ठंडा होने पर ही हम इनको हाथों से क्रश करके इनका छिलका हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हल्की गुनगुनी होने पर हम इजीली इसका छिलका रिमूव कर लेंगे और मूंगफलियों को फटक कर इनका छिलका हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई को हम क्लीन कर लेंगे, और इसी कढ़ाई में हम अब अपने कोकोनट को भी थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और इसको भी हमें 2-3 मिनट तक रोस्ट करना है, ताकि हमारे नारियल ख़राब ना हो, लड्डू हमारे ज़्यादा समय तक चलें। तो इसीलिए 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर इनको भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो कोकोनट को बिना रोस्ट किए डायरेक्ट कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो 2 मिनट तक कोकोनट भी हमारा रोस्ट हो गया है, तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम अपने वाइट तिल को भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, और इनको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस 1 मिनट तक हमें इनको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। और अब साथ ही में हम इसमें 2 चम्मच सौंफ भी डाल देंगे। इन दोनों को हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे कंटिन्यू स्टर करते हुए। फ्रेंड्स, सफ़ेद तिल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, विटामिन B6, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम होता है, इसीलिए हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। और तिल की तासीर भी गर्म होती है, तो सर्दियों में हमें इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए, 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इनको रोस्ट कर लिया है, और अब इनको भी हमें एक प्लेट में निकाल लूँगी। इनको हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है। ये देखिए, तिल को भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब मैंने लिया है एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार, और अब हम इसमें रोस्ट किए हुए कोकोनट को ग्राइंड कर लेंगे, और इसका एक पाउडर हमें बनाना है।
तो फ्रेंड्स मिक्सी को हमें रुक रुक कर चलाना है और इसको एक पाउडर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। और अगर आपको ग्राइंड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप थोड़े से मखाने इसमें डाल के फिर इसको ग्राइंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो नारियल को डायरेक्ट भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कोकोनट को ग्राइंड कर लिया है, तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और अब मैं मूंगफलियों को भी ग्राइंड कर लूँगी। तो हमें इनको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हमें इनको थोड़ा दरदरा ही रखना है, क्योंकि जब मूंगफली के चंक्स लड्डू में मुंह में आते हैं तो लड्डू खाने में और भी टेस्टी लगते हैं। तो हम रुक रुक कर मिक्सी को चलाएंगे। फ्रेंड्स सर्दियों में मूंगफली खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इनको हम सस्ता बादाम भी कहते हैं क्योंकि इनमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बादाम में पाए जाते हैं। तो ये देखिए मैंने मूंगफली को भी ग्राइंड कर लिया है और अब इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। मूंगफली में भी कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो हमें डेली अपनी डाइट में मूंगफली शामिल करनी चाहिए क्योंकि इससे हड्डियां भी स्ट्रांग होती हैं। तो अब हमने गैस पर फिर से एक कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई के गर्म होते ही एक टेबल स्पून देसी घी हम इसमें डाल देंगे, और घी के थोड़े गर्म होते ही मेल्ट होते ही हम इसमें छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ गुड़ भी डाल देंगे। तो अब गुड़ को घी में फ्राई करते हुए हम इसको मेल्ट कर लेंगे। तो लो फ्लेम पर कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें इसको मेल्ट करना है, तो इसीलिए हमने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा था ताकि इसको हमें ज़्यादा पकाना ना पड़े। हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसके मेल्ट होते ही सभी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए कंटिन्यू स्टर करते हुए मैं गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ और इसके बड़े पीसेस को भी मैं करछी से क्रश करते हुए मेल्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ईजीली ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो रखना है और कंटिन्यू हमें इसे करछी से हिलाते जाना है ताकि गुड़ हमारा जले नहीं और नीचे कढ़ाई पे ना लगे, वरना गुड़ और लड्डुओं का फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। तो ये देखिए कंटिन्यू स्टर करते हुए मैंने इसको मेल्ट कर लिया है और अब हम इसमें बाकी सभी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले मूंगफली का पाउडर हम इसमें डाल देंगे और करछी से इन्हें मिक्स भी करते रहेंगे, और अब साथ ही मैं कोकोनट पाउडर भी मैं इसमें डाल रही हूँ और फिर से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, तो ये एक चम्मच सौंठ पाउडर और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब इन्हें फिर से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे जायफल। तो ये जो मैंने एक जायफल लिया है ये पूरा हमें नहीं डालना है, इसको थोड़ा घिस कर ही हमें इसमें ऐड करना है। जायफल खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जायफल में भी औषधीय गुण पाए जाते हैं, ये पाचन तंत्र को सुधारते हैं, दर्द निवारक रूप में भी इसका सेवन किया जाता है, गठिया पेशेंट के लिए भी इसका सेवन फ़ायदेमंद है। तो अब सभी चीज़ों को हमने गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तिल। तो ये रोस्टेड सफ़ेद तिल भी हम इसमें गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, इलायची पाउडर डालने से लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है, लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम ये गरम गरम गुड़ का मिक्सचर एक थाली में पलट रहे हैं, ये गुड़ की ही थाली है और कढ़ाई अभी भी बहुत गर्म है तो गुड़ हमारा जल सकता है, तो इसीलिए हम इसे दूसरी थाली में पलट लेंगे। और हल्का सा गुनगुना होने के बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। और ये देखिए थोड़ी देर ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसको इस तरह से चाकू की हेल्प से कट लगाकर बर्फ़ी की शेप में भी इनको कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लड्डू बना रहे हैं। तो मैं इसके छोटे छोटे नींबू साइज़ के बॉल ले रही हूँ और हाथों पर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, और ये देखिए इस तरह से मैं इसको राउंड राउंड घुमाते हुए एक गोल शेप का लड्डू बना लूँगी। और वन बाय वन करके इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत इजीली इनके लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि मिक्सचर हमारा बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि हमने गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था। अगर गुड़ को हम बहुत ज़्यादा पका लेते तो उससे वो हार्ड हो जाता और लड्डू हमारे बहुत सख्त बनते। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट लड्डू हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ये लीजिए गुणों से भरे हुए और कई फ़ायदों वाले मसाला गुड़ लड्डू हमारे बनकर रेडी हैं। तो ये लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी हैं। अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो आप हल्का गुनगुना कर लीजिए। इन लड्डुओं को स्टोर करके भी रख सकते हैं, पूरी सर्दी में आप इनको खाइए और मॉर्निंग में नाश्ते के बाद गुनगुने दूध के साथ आप एक लड्डू खाइए, बहुत ही हेल्दी है। ये लड्डू आपको सर्दी से तो बचाते ही हैं, साथ ही में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। तो ये देखिए एक चम्मच देसी घी में हमारे हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हैं। मैंने इन लड्डुओं को बनाने में मूंगफली और नारियल का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डालकर भी इनको बना सकते हैं। और ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही सॉफ्ट लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आप भी बनाइए खाइए, मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।